जिंदगी के दो बूंद जरूरी है, सैनिटाइजर के दो बूंद, बचपन में पोलियो के दो बूंद, जवानी में सैनिटाइजर के दो बूंद। सही है, सही चल रही है जिंदगी। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं वाईफाई लगवाने, तो देखते हैं, बात करके आते हैं, थोड़ा पता वता करेंगे। घर में वाईफाई लगवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट डेली का मतलब इस्तेमाल होता है। मैं 2 GB का पैक डलाता हूँ, उसमें भी 2 GB ख़त्म हो जाता है, फिर और अलग से 150 या 100 रुपये का मैं पैक डला के काम करना पड़ता है। तो सोचा वाईफाई ही लगवा लेता हूँ और हम तीनों मिल के लगाएंगे, भाई बहन तीनों मिल के पैसा मिला के वाईफाई लगवा रहे हैं। तो बस अभी वही बात करने जा रहे हैं, पापा के साथ जा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं करूँगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बाहर कैमरा नहीं ले रहा। आके आप लोग को दिखाता हूँ वाईफाई वगैरह, अगर अभी लेके आते हैं तो आपको दिखाता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडम्स व्लॉग हिंदी। और आज है संडे, अब सोच रहा हूँ आपसे थोड़ा रेगुलर डालेंगे, शायद कन्फर्म नहीं है। ये दूसरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, ये देख जल्दी बंद कर, बहुत तेज बारिश हो रही है आज। देखो क्या बारिश हो रही है। सो या गाइस, संडे तो हो चुका है खत्म और आज हो चुका है क्या, हो गया वेडनेसडे हो चुका है और आज हमको कंप्लीट हो चुका है पूरे 1 साल जशपुर में। मतलब आए थे हम लोग तिल्दा से 21 तारीख को, निकले थे शाम के 5 बजे और जशपुर पहुंचे थे अगले दिन यहाँ पे किसी घाट में रात बिता करके। एक्चुअली हुआ क्या था, अपन 5 बजे तिल्दा से निकले और फिर निकले कहीं कोई सा तो घाट पड़ता है, काफ़ी घाट पड़ते हैं, याद नहीं क्या घाट था यार, मेरे को फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आएगा तो बता दूंगा। तो घाट पहुँचे, वहाँ मेरे को बहुत नींद आ रहा था, तो घाट को जैसे ही नीचे उतरे, घाट क्रॉस हुआ, उसके बाद कार में सो गए। तो रात बिताने के बाद करीब पहुँचे होंगे 2:30 बजे, अपन सोए होंगे वहाँ पे। हाँ 2:30 बजे सोए, 5 बजे उठे और फिर 8 बजे तक के यहाँ जशपुर पहुँच चुके थे। तो कंप्लीट 1 साल हो चुका है हम लोग को यहाँ जशपुर में। आज ही के दिन हम आए थे, बोले को तो अच्छा ही था और बुरा, अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस दोनों हमको मिला। अच्छा इन द सेंस कि काफ़ी घूमना फिरना हुआ यहाँ के, जो हमको जो कि पसंद है घूमना फिरना वो हुआ और यहाँ पे। और बुरा चीज़ हुआ लाइफ में, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें हुई, नए जगह आए हैं तो नए लोग तो काफ़ी सारे, तो फिर ऐसे मतलब ठीक ठाक गया साल। कभी अच्छा हो रहा है तो उसमें मस्त व्यस्त हो गए, कभी बुरा हो रहा है तो उधर ध्यान, तो ऐसे मतलब हम लोग बिजी थे, लगभग बिजी थे। तो ऐसा करते करते ये साल ख़त्म हो चुका है और ये ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। और देखो देवदास बनी बैठी है, क्या हो गया, पौधों को देख रही है देवदास बन के। एक्सप्रेशन तो अच्छा वाला था नहीं, सर पकड़ के पौधे के पास बैठे हैं और हमें लग रहा है देवदास बने हैं दोस्तों। तो आज हम जाएंगे वाईफाई लगवाने, चलो सीपीयू लाने, सीपीयू लाने जाना तो पड़ेगा, वो तो नहीं आएगा ना, आज खुला रहेगा, आज तो वेडनेसडे है, ट्यूसडे बंद रहता है, और कितना दिन बंद रहेगा, वो खुलेगा आज। एक्चुअली चक्कर क्या हुआ कि अपन वाईफाई वाले को तो संडे को ही बात करके आ गए थे और संडे को ही सीपीयू दे दिए थे, और संडे को दिए, आज को मंडे को लेने आने बोला था, बट शाम को अपन निकलने वाले थे तो उस समय पानी गिर गया, और जब पानी बंद हुआ हम तुरंत निकले और पहुंचे तब तक की दुकान बंद हो चुकी थी, सारी दुकान बंद हो चुकी थी, तो उस दिन तो नहीं ले पाए। फिर उसके बाद हो गया ट्यूसडे जशपुर बंद रहता है, तो इस वजह से कल नहीं ले पाए, आज जाएँगे लेने। और अभी जाके, अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30 कुछ हो रहा होगा, 9:45, तो अभी जाएंगे लेके आएंगे सीपीयू यार। और उसके लिए मैं नया केस, नया कैबिनेट सोचा हूँ, देखते हैं जो भी मिलेगा अच्छा खासा ठीक ठाक उसको ले आएंगे। क्या है, मटर मटर,
हाँ हाँ बस इसी के लिए तो बना है ये चींटी। ऊपर से भी आ सकता है चींटी, कहीं भी आ सकता है बॉस, कहीं भी आ सकता है कहीं भी। और यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, अपने घर को इतना उजाला कर दूंगा ना, रोशन कर दूंगा पूरा हर जगह लाइट लगा लगा के। एक तो बड़ा वाला लाइट लगाया, वो तरफा लाइट है एक नंबर, ये वाला पूरा कवर करता है, उनके घर तक जाता है पूरा उनके घर। वो पेड़ काट देना तो हमको पूरा क्लियर दिखेगा रात को, कौन बाहर निकल रहा है कौन अंदर बैठ रहा है। पापा बोल रहे हैं 10 बजे जाएंगे, अभी तो 9:30 ही हो रहा है, तो 10 बजे जाएंगे, सीपीयू लेके आएंगे और वाईफाई वाला देखते हैं भैया कब आएगा। मेरे को एयरटेल और जियो का तो खैर मिला नहीं, कौन सा तो अजीब टाइप से नाम था, क्या कंपनी था, कुछ लोकल ही यहाँ का, तो उसी को लगवाऊंगा। अब देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं, जाएंगे अभी सीपीयू लेने। मौसम ख़राब लग रहा है काफ़ी, पानी ना गिरे बस, फिंगर क्रॉस, क्यों करते हैं पता नहीं। तो गाइस शॉप बंद है, वाईफाई वाले भैया तो शॉप में ही नहीं है, कहाँ गए पता नहीं अब। और आज सब दुकान बंद है, एक्चुअली हुआ क्या कल कुछ हुआ है इस वजह से बंद है, प्रॉपर डिटेल नहीं पता इस वजह से मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना, कहीं मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। कुछ हुआ है जशपुर में बहुत बड़ी चीज़ कल के दिन, इस वजह से बंद है, कुछ काम नहीं हो पाया, सारे दुकान बंद थी, मेडिकल खुला था, बस एक ही काम हो पाया, अब लगता है कल ही हो पाएगा। तो अभी दोपहर का 2 बज चुका है और मेरे को नहीं लगता यार कि आज वाईफाई लग पाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। मैं भैया को कॉल किया तो भैया बोले कि मतलब सर्वर डाउन रहता है तो उस समय नहीं बन पाता है, तो भैया बोले कि कोशिश करूँगा आज, तो मेरे को उम्मीद नहीं है क्योंकि आधा दिन निकल चुका है, 2 बज चुका है और तार वार वो लोग खींचेंगे, उसमें 2-3 घंटा लग जाता है ऐसा बोल रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि हो पाएगा आज, देखते हैं कब तक होता है, ये हफ्ता में हो जाना चाहिए। और शाम हो चुकी है, गुड इवनिंग हो चुकी है, और जैसा कि मैंने बोला था नहीं हुआ वाईफाई वाला, और मेरे जब भी दे यार, मतलब जल्दी हो यार फिर क्या फिर मतलब एक काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट लैपटॉप चलाऊँगा ना, तो लैपटॉप क्या है मोबाइल से कनेक्ट करूँ, ज़्यादा डाटा खींचता है पता नहीं, मैं सारी चीज़ें ऑफ करके रखा, कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा नहीं खींचता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप ज़्यादा डाटा खाने लगता है, तो क्या है मैं सोचा और डला भी लेते हैं, और क्या है कि घर में है ही ऑलरेडी सब लोग, है ना, सबको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब मैं 400 का डलाता हूँ, मतलब 3 लोग भी 400 का डलाते हैं, तो 1000 पार इनके पास कुछ 1000 रुपीज़ वाला प्लान था, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, है ना, पैसा भी बच रहा है, तो ओवरऑल फ़ायदेमंद ही है यार हर काम के लिए, तो मैं सोचा डला लेते हैं। ये वाला जो रोड है अभी तक बना नहीं है, सिर्फ वो मुर्रम डाल दिए थे, बिछा दिए थे, साइड साइड चौड़ा कर दिए हैं बस, उनके बाद से काम रुक गया है। हम लोग सोचे थे काफ़ी जल्दी, और मेरे को लगता है इस साल तक हो जाएगा, ऐसे कुछ खास लेट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के रोड्स ना एकदम A1 होते हैं यार, A1 लाजवाब मक्खन, यहाँ के रोड्स बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत एक नंबर रहते हैं, तो जब भी बनेगा A1 बनेगा, फिर स्केटिंग करने में मज़ा आएगा, स्केटिंग भी कर सकते हैं, स्केटबोर्डिंग भी कर सकते हैं, स्केटबोर्डिंग करने का सपना है मेरा, सपना नहीं है बस कभी कभी इच्छा जाग जाती है, तो स्केटबोर्डिंग का सोच रहा हूँ मैं, अब देखते हैं इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्केटबोर्डिंग करूँ। इन फ्यूचर आप ना मेरे से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। देखो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, तो मोटिवेशन ऑब्वियसली अप हो जाएगा। तो क्या है मोटिवेशन, मतलब ये लोग फालतू में नहीं बोलते यार, जितने भी यूट्यूबर लोग बोलते हैं मोटिवेशन, सीरियसली मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। मान लो मैं स्केटबोर्ड खरीदूँगा, बोला जैसे कि अभी मैं बोला स्केटबोर्डिंग करूँगा, तो अब मेरे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मेरे को क्योंकि मज़ा आएगा ना यार ये काम करने में, तो ऑब्वियसली मैं वो खरीदूंगा, इच्छा है तो कर लेंगे, और अगर व्यूज़ ना आए, लाइक्स ना आए, कुछ ना आए, तो फिर काय का कर दूंगा यार, मतलब कुछ कुछ होना चाहिए मोटिवेट करने के लिए, है ना।
और नीचे चलते हैं, नीचे नाश्ता बन रहा होगा, स्नैक्स खुशबू आ रही थी मेरे को अच्छे खासे। क्या बन रहा है भजिया? तो ऑलराइट, रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 8 और मेरे को मिल चुका है मेरा कंघा, कंघी नहीं कंघा, जब मेरे बाल लंबे हुए करते थे एक जमाने में तब मैं इससे कंघी करता था, जो कि जमानों बाद मेरे हाथ लगा है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फिलहाल। ये वीडियो में अगर आपको मज़ा आया, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। Hey guys, good morning and welcome back to my channel Adam's Vlog Hindi। और भाई आज मेरा इस कंघा से बाल बनाया यार, क्या बाल सेट किया है। नहीं Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite.